हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप अपने यूपी स्कॉलरशिप के पेमेंट का वेट कर रहे थे, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। प्लस आपको बताएंगे जिन छात्रों का फॉर्म अभी तक सस्पेक्ट में है या फिर पेंडिंग में है, उनका फॉर्म कब तक वेरीफाई हो जाएगा, उन सभी छात्रों के लिए भी गुड न्यूज़ है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है, फॉर्म वेरीफाई होने की जो लास्ट डेट थी वो थी 10 मार्च 2022, यानी कि 10 मार्च तक डिस्ट्रिक्ट लेवल से फॉर्म को वेरीफाई किया जाना था। मगर मैंने कल एक वीडियो बना के आपको अपडेट दी थी और अपडेट ये थी कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने एक अपडेट दी थी, वो ये थी कि जो फॉर्म है वो आपके 20 मार्च तक वेरीफाई किए जाएंगे। तो वो सिर्फ नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था, मगर गुड न्यूज़ ये है कि फॉर्म वेरीफाई दोबारा से होना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 10 मार्च के बाद भी फॉर्म का वेरीफिकेशन चल रहा है। मेरे पास कल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके बताया था, मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है, प्रॉपर स्टेटस, वो आप लोग कहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, आपको यहाँ पे चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2021-22 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का प्रॉपर स्टेटस देख सकते हैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके। प्लस आप लोग यहाँ से अपना यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट भी चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में है या नहीं। आपको यहाँ पे सिंपली चेक स्टेटस ऑन उमंग ऐप PFM इसके आगे जो क्लिक किया लेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग अपनी बैंक की डिटेल्स डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका पेमेंट आया है या नहीं। सो गाइज, अब बात आती है फॉर्म वेरिफिकेशन से संबंधित, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पेमेंट है वो किस डेट को रिलीज होने वाला है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीनशॉट की तरफ, आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग ये एक स्टेटस देख सकते हैं, ये वाला जो स्टेटस है ये हमें कल एक स्टूडेंट है उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेंड किया था और बताया था कि सर मेरा फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था, फाइनल सबमिट भी हो गया था, प्लस कॉलेज लेवल से भी इनका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया गया था और बैंक भी इनका वेरीफाई है, मगर जो इनका फॉर्म था वो 10 मार्च तक पेंडिंग में दिखा रहा था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से फॉर्म इनका वेरीफाई नहीं हुआ था, ठीक है। मगर ये 11 मार्च को, यानी कि कल के दिन, ये समाज कल्याण विभाग जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं कि भाई मेरा फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ और इन्होंने समाज कल्याण विभाग से अपना फॉर्म वेरीफाई कराया 11 मार्च 2022। और 11 मार्च 2022 को शाम तक इनका स्टेटस भी अपडेट हो गया और करंट स्टेटस में आने लगा वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, प्लस उसके आगे डेट भी शो हो रही है, यानी कि 11 मार्च 2022। यानी कि अब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि फॉर्म वेरीफाई जो है वो 10 मार्च के बाद भी हो रहे हैं। तो अगर आपका फॉर्म अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कॉलेज में या फिर विभाग में भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अभी तक क्यों वेरीफाई नहीं हुआ। और जो लास्ट डेट है, जैसा कि अपडेट से पता चला है, वो 20 मार्च है, ठीक है, यानी कि 20 मार्च तक आपके जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई किए जाएंगे। तो आप लोग चिंता ना करें, थोड़ा सा वेट करिए, आपका फॉर्म बहुत जल्दी वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि पेमेंट कब तक रिलीज होगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर्म वेरीफिकेशन की डेट एक्सटेंड नहीं होती तो आपका जो पेमेंट है वो आपका पेमेंट 11 मार्च के बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप मंडे से मान के चल सकते हैं। मगर जैसा कि आपको पता है, फॉर्म जो है वो अभी वेरीफाई किए जा रहे हैं, यानी कि लास्ट डेट है 20 मार्च 2022। तो अब जो आपका पेमेंट है वो 21 या 22 मार्च के बाद से आना स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2022, यानी कि 31 मार्च से पहले पहले आपका पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बस मेन चीज़ ये है कि बजट का इशू ना हो, अगर बजट का इशू होता है तो हो सकता है कि आपका पेमेंट ना आए, ठीक है। मगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।